हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल तो देखिए आज के इस वीडियो में हम एक और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करने वाले हैं और ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसकी हम बात करेंगे वो है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सो आई 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 टी एम बेसिकली ग्वालियो बेस्ड है नैक एक क्रेडिटेड है एक ग्रेड मिला हुआ है और साथ ही में ये है एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस तो इन्हीं की तरफ से एडवर्टीजमेंट है बट ये रूलिंग एडवर्टीजमेंट है सो so, चलिए हम देखते हैं इस पेज की लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप इसके थ्रू डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं एल जैबल्ट्रा एक ही होम पेज जो है उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाए यहाँ पे है रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम 2021 एबीवी आईआईटीएम ग्वालियर में है और यहाँ पे इनका एड्रेस दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल है कोई भी जो है क्वेरी है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल है पी एच डी एडमिशन एट द रेट ट्रिपल आई टी एम डॉट ए सी डॉट इन देन जब आपको लगेगी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक है वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं टू अप्लाई ऑनलाइन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई और पोर्टल ओपन होगा ओबियसली जो कि अभी ओपन हो रहा है वेट रजिस्ट्रेशन के लिए वो पोर्टल है सो ये रहा वो पोर्टल ऐसा आपके सामने ओपन होगा ठीक है लिंक आई विल प्रोवाइड मतलब इसकी भी जो डायरेक्ट लिंक है जो कि ये है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसके बाद पे करना होगा आपको तो आप नेक्स्ट वाले इस ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करके क्लिक हेयो पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स या जो भी इंफॉर्मेशन है सो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले वो की मैंने सो ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ वैलिड गेट या नेट जे स्कोर सो क्लियर हो गया नेट जे हो या गेट हो फॉर इंजीनियरिंग के लिए आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए एम टेक एम एस एम ई और एक्यू में सी एस ई में आई टी में ई सी ई इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में ये सभी ब्रांचेस दी हैं डिग्रीज आपकी फ़र्स्ट डिवीजन होनी चाहिए ठीक है और बी बी टेक में भी होनी चाहिए फ़र्स्ट डिवीजन मैनेजमेंट के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए मतलब सिक्सटी परसेंट मार्क्स से ज़्यादा या इसके इक्वेलेंट कोई डिग्री आपने अगर इंजीनियरिंग या टेक की कोई ब्रांच से किया है तो भी बट उसमें भी आपका मार्क्स फ़र्स्ट डिवीज़न होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल लेवल पर भी अप्लाइड साइंसिस के लिए फर्स्ट डिवीज़न मास्टर्स में होना चाहिए फिजिक्स मैथ्स या किसी रिलेटेड ब्रांच में जो कि फ़िजिक्स मैथ्स से रिलेटेड होता है ऑल्सो ऐसे ही सब्जेक्ट्स आपके यू में हो और उसमें भी सिक्सटी मार्क्स हो बाकी रिलैक्सेशन जैसे मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन्हें मिलेगा और ब्रॉड एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं एक इंडिकेटिव लिस्ट है राइट सो इंजीनियरिंग के लिए ये सभी ब्रॉड एरियाज़ हैं ब्रॉड एरियाज़ का मतलब है कि मतलब ऐसे ही एरियाज़ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिकली वही एरिया हो ब्रॉडली हम उन एरियाज़ को इन सभी टर्म्स में या एरियाज़ में कंप्राइज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आप इंजीनियरिंग वाला देखिए मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशन है मार्केटिंग है फाइनेंस है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट है चार है ई e गवर्नेंस है बिज़नेस इकोनॉमिक्स है इन्वॉर्मेंट मैनेजमेंट टेक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेश इंफॉर्मल सेक्टर का मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रान्यरशिप देन बिजनेस एनालिटिक्स एक्सेट्रा अप्लाइड साइंसिस के लिए फ़िजिक्स के हैं ये कुछ टॉपिक्स एरियाज़ देन मैथ्स के भी हैं कंप्यूट सॉफ्ट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन भी हैं और मैथमेटिकल बायोलॉजी भी है सो so, आप देख लीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है सो so, आपको पहली बात कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है कोई भी आपको फॉर्म बाई पोस्ट नहीं भेजना है राइट एप्लीकेशन फ़ीस फाइव हंड्रेड फॉर जनरल ओ बी सी एंड डी डब्बल्यू एस एंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ फॉर एस सी एस टी एंड पी एच देन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अभी हमने देखा ना क्लिक हेयर वाला उसी के थ्रू जाकर आपको इन्हें पे करना होगा ब्रॉड एरियाज़ को भी आपको स्पेसिफाई करना होगा कि इन किन एरियाज़ में आप रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं सिलेक्शन आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और साथ में रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसके बाद इंटरव्यू इन सब पे बेस्ड होगा शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए वो उस वेबसाइट पर बताया जाएगा सेपरेटली आपको मेल नहीं किया जाएगा ठीक है देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिकेटिव है और ऑब्वियसली अगर किसी की आपसे बेटर क्वालिफिकेशन है तो उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी सो so, जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है वो ज़्यादा भी हो सकता है उसके अलावा वेबसाइट विज़िट कीजिए बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको गेट या नेट स्कोर और साथ में ये जो एप्लीकेशन फी होगा इन सभी का जो स्कैंड कॉपी है वो अपलोड भी करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ठीक है उसके अलावा मतलब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑब्वियसली असिस्टेंटशिप सबको नहीं मिलेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी एनटाइटल बाकी जे आर एफ है तो वो तो आपको मिलेगा ही एक्मोडेशन वगैरह से रिलेटेड भी यही है कि मिलेगा रेजिडेंशियल है प्रोग्राम हॉस्टल्स आर अवेलेबल बट और लिमिटेड नंबर के जो मेरिड एकोमोडेशन है वो भी अवेलेबल है सो so ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं एंड नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं रीज़न बता दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो यस ये था वीडियो थैंक यू सो मच